इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर मेजरमेंट्स एंड मोशन. सो पहले हम लोग टाइम का कंसेप्ट देखे कि पहले टाइम पे पहले ज़माने में टाइम कैसे देखा जाता था. फिर हम लोग देखे थे कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और मेजरमेंट का ज़रूरत क्या है. बहुत सारी चीज़ों का हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट देखे थे. अब पढ़ेंगे हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में. सो अगर सपोज ये एक पेन है तो अभी अपने सराउंडिंग प्लेसेस से, सपोज दिस इज अ कैप, ये अभी अपने सराउंडिंग प्लेसेस से फिक्स्ड डिस्टेंस पर है. मतलब ये बॉक्स से जितना डिस्टेंस है अगर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो दो मिनट बाद भी ये इतना ही दूर रहेगा. इस पेन से भी ये इतना ही दूर रहेगा अगर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये पेन का कैप रेस्ट में है बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपना जगह नहीं बदल रहा. तो रेस्ट का ये डेफिनेशन होता है, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स. नाउ इमेजिन दिस इज द पेन कैप. नाउ दिस इज ये अभी यहाँ पर है एंड दिस इज मूविंग. सो क्या हो रहा है कि ये वाइट वाले बॉक्स से दूर जाते जा रहा है और वाइट उसके तरफ जा रहा है. तो यहाँ से भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है. तो वी कैन से दैट दिस कैप इज इन मोशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स. अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशन लगातार बदलते रहता है तो उसको मोशन में बोलते हैं. मोशन फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, 5 सेकेंड्स में ये 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर 5 सेकेंड्स में ये 10 मीटर ट्रैवल किया, 15 माइनस 5, फिर 5 सेकेंड्स में ये 5 मीटर ट्रैवल किया. तो इस तरह से ये बार बार स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है. जितना जल्दी जल्दी वो डिस्टेंस कवर करेगा कम टाइम में, वो मोशन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा. So it is important to realize that the same object may be regarded as being at rest by one observer and being in motion by another observer. ये एक बहुत important point है. Suppose एक object तुम्हारे लिए motion में है लेकिन मेरे लिए वो rest में भी हो सकता है. कैसे? Suppose you are sitting inside a train. So दो friend है, you and your friend are sitting inside a train. सो फॉर यू योर फ्रेंड इज एट रेस्ट. तुम्हारे लिए जो तुम्हारे पास तुम्हारा फ्रेंड बैठा है वो रेस्ट में रहेगा क्योंकि वो तो तुम्हारे पास ही है, वो मोशन में थोड़ी ना है. उसका तुम्हारे रेस्पेक्ट में डिस्टेंस तो सेम ही है तो इसीलिए तुम्हारे लिए वो रेस्ट में है. अब इमेजिन करो कि हम प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और तुम्हारा ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो मेरे लिए क्या हो रहा है? तुम लोगों का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से फॉर मी योर फ्रेंड विल बी इन मोशन. So A and B are two friends. They are sitting inside a train. With respect to each other, they are at rest. एक दूसरे के लिए दोनों जन रेस्ट पे है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. लेकिन जो सी इंसान है प्लेटफॉर्म में खड़ा है और ये ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो सी के लिए बोथ ए एंड बी आर इन मोशन. तो इसी वजह से सेम ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बींग रेस्ट बाई वन पर्सन एंड बींग इन मोशन बाई अनदर ऑब्जर्वर. वही एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया. नाउ द स्टार्स दैट मे बी अपियर टू बी एट रेस्ट आर मूविंग फास्ट, वेरी फास्ट इंडीड. तो वो इतना हम लोगों को लगता है कि स्टार तो रेस्ट में है लेकिन एक्चुअली में वो काफ़ी स्पीड से वो आगे जा रहा है. तो हम लोगों को रेस्ट में क्यों दिखता है? क्योंकि बहुत दूर है तो जो पोजिशन चेंज हो रहा है वो हम लोगों को समझ नहीं आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो इस तरह से एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन, इफ द चेंजेस इन इट्स पोजिशन आर ऑल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ये इसका डेफिनेशन होगा, किसका जो भी जगह बदल रहा है वो सारा स्ट्रेट लाइन पाथ में है. कर्विलिनियर मोशन, जैसे ये बॉय इसमें एक स्टोन फेंका पॉन्ड में
तो रिपल्स क्रिएट हुआ इस तरह से. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कर्विलीनियर मोशन. ये कर्व के फॉर्म में स्टोन गया, रिपल्स के कारण कर्विलीनियर नहीं था, ये स्टोन इस तरह से गया था, तो ये देखो कर्व बन रहा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कर्विलीनियर. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलोंग अ कर्व्ड लाइन, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव कर्विलीनियर मोशन. एक जिगजैग रोड में जाना, फिर अप हील मतलब पहाड़ पे इस तरह से चढ़ना, वो सारा कर्विलीनियर का एग्जांपल होगा. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये ऑलरेडी पता है तुम लोगों को. एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में तब होता है जब वो एक फिक्स्ड पॉइंट के फिक्स्ड पॉइंट पे घूमते रहता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स है और वो गोल गोल घूम रहा. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रोटेशनल मोशन इफ इट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड और कीप्स ऑन स्पिनिंग अबाउट सम डेफिनेट लाइन और एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस. तो ये पॉट, ये घूमते जा रहा है लेकिन वो पॉट वहीं का वहीं रहेगा. सो रोटेशन, फैन का मूवमेंट रोटेशन. वॉट अबाउट द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ और द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सो सन के आसपास अर्थ घूम रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशन. सो वॉट इज रेवोल्यूशन? When an object revolves around a fixed object in a fixed path is called revolution. So yeah, motion of an object is known as revolution if it moves around an object changing its position continuously, usually following a fixed path or a circular path. Generally circular, kabhi flat oval, flat egg, is tarah ka path mein ek object अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहा, तब उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये जो पाथ होता है ये कंप्लीटली एक सर्कल के जैसा होता है, देन दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जैसे अगर एक बॉल को एक रस्सी से बांध के घुमाएंगे तब वो एग्जैक्टली गोल गोल पाथ में घूमेगा. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन. तो रिवोल्यूशन में जब पाथ सर्कुलर हो जाता है तब उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस. सो पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद बार रिपीट होता है. सो दिस मोशन इज देन रिपीटेड एंड द प्रोग्रेस गोज ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ. जैसे मून अर्थ के आर पार रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड पीरियड है कि 30 days में ऑलमोस्ट इसका रिवोल्यूशन कम्प्लीट होता है, हर 30 days में कम्प्लीट होता है. So this is a periodic motion. So the motion which repeats itself after a fixed interval of time is called periodic motion. Ye definition hai. Example, motion of earth as it revolves around the sun once every year. Motion of the hands of a clock. Clock ka hands pura fixed time mein ghum raha hai. To is wajah se ye periodic motion hoga. To non-periodic motion uska opposite. When a motion does not repeat itself after a fixed interval of time or does the repetition in a random irregular manner. या तो repeat ही नहीं करेगा और अगर repeat कर रहा है तो time interval fix नहीं है. Suppose ये यहाँ से यहाँ एक round खत्म कर लिया, एक rotation 12 hours में, अब वो next rotation complete कर रहा है 24 hours में, फिर 13 hours में, तो ये एक पीरियोडिक मोशन नहीं होगा. इवन दो वो बार बार घूम के आ रहा है लेकिन उसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है. तो इसीलिए नॉन पीरियोडिक मोशन मतलब या तो वो रिपीट ही नहीं करेगा और अगर रिपीट कर रहा है तो उसका टाइम इंटरवल रेगुलर नहीं रहेगा. एग्जाम्पल, व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगो मूवमेंट. बोल रहे हैं तो लिप्स ऊपर नीचे हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है लेकिन कोई फिक्स पैटर्न फिक्स टाइम नहीं है. फिर अ कार मूविंग इन अ वेरी ऑन अ वेरी बिजी रोड, बहुत बिजी रोड में अगर कार मूव कर रहा है और तो नो नॉट दैट एग्जाम्पल एक्चुअली. और भी अलग अलग एग्जाम्पल जैसे ये किकिंग अ फुटबॉल, स्ट्राइकिंग अ हॉकी बॉल, ये सारा नॉन रिपीटेटिव होगा. नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन. सो वॉट इज ऑसिलेटरी मोशन? An object is said to have an oscillatory motion
if it moves to and fro in the same path in a regular periodic way. ये already pendulum के time पर समझाए थे. ये pendulum है, एक बार इधर जाएगा और एक बार फिर वापस इधर जाएगा. So एक to and fro motion कब complete होता है? जब ये pendulum यहां से एक बार ऐसे जा रहा है, फिर एक बार वापस इस position पे आ रहा है. Then it is an oscillatory motion. Swing का oscillatory motion क्या होगा? एक बार सामने जाएंगे, फिर एक बार पीछे जाएंगे. तो oscillatory motion इसी को बोलते हैं, ये जो to and fro आगे पीछे होने वाला motion है. Examples clearly समझ में आ रहा है. Now this activity is very important. You will have to do on your own. A child on a swing किस type का motion है? Oscillatory. Moving blades of a windmill. Windmill का blades जो घूमता है, तो वो किस तरह का मोशन होगा? ये ब्लेड्स का घूमना, वो लोग एक फिक्स पॉइंट क्या बस घूम रहा है एक फैन के जैसे. सो रोटेटरी मोशन. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं. सो इस तरह से बाकी का कंप्लीट करना. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स. सो व्हाट इज फोर्स? अ सिंपल पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स. ये रहा, अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. फोर्स के कारण क्या क्या चेंजेस आ सकता है, ये डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, हम फोर्स के साथ उसको रोक सकते हैं. सो फोर्स कैन स्टॉप मोशन. फिर अगर ये पेन इस तरफ रोल कर रहा था, हम फोर्स लगाकर उसको उधर घुमा दिए, तो फोर्स के कारण उसका मोशन हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे इसका ये शेप है, हम इसमें फोर्स लगाकर हम इसको पिचका दिए, स्क्वीज कर दिए. सो इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट कैन प्रोड्यूस मोशन. दिस इरेजर इज एट रेस्ट, आई एम पुशिंग इट, सो इट इज इन मोशन. सो मोशन ला सकते हैं, मोशन रोक सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं, और स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे से रोल कर रहा है, तो हम उसको फोर्स देकर जल्दी रोल करा दिए. सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. नाउ विल डिस्कस द एक्सरसाइज. सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, दिस यू विल डू ऑन योर ओन. व्हाइल सिटिंग इन अ मूविंग बस, वी आर इन डैश विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स. बस में बैठे हैं और बस चल रहा है, मूविंग बस है, तो सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में हम लोग मोशन में हैं. अ मूविंग कार गोइंग ऑन अ नैरो स्ट्रेट रोड इज हैविंग अ नियरली रेक्टिलिनियर मोशन. द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. स्विंग मशीन क्या है, बार बार इस तरह से एक फिक्स्ड पीरियड पे आ रहा है, तो सोचो क्या होगा. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज डैश इन नेचर, इज पीरियोडिक इन नेचर, यू कैन राइट. मेजरमेंट इज नीडेड टू मेक करेक्ट डिसीजंस, ट्रू. अ मीटर स्केल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड, फॉल्स. प्ले ग्राउंड कुछ मीटर का नहीं होगा. The motion of the moon around the earth is rectilinear motion. Moon to gol gol ghoom raha hai, so falls. The motion of the pedal of a bicycle is a circular motion, true. Motion of a giant wheel is a rotatory motion, true. Giant wheel ek point pe hi bas gol gol ghoom raha hai. When we draw water from a well, we are pushing the rope. Hum log to rassi khinchte hain, pull karte hain, so falls. This you'll do on your own. Standard unit of length, standard unit of time. इस chapter में straightforward ही लिखा हुआ है. The motion of the tip of a pen while writing is a or an. जब लिखते हैं तो बार बार curves बनता है, तो curvilinear motion. These two questions you'll have to do on your own. So complete till here and learn whatever I have taught in this video.